नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के बल गांव के चेक डैम में नहाते वक्त डूबे हुए युवक के शव को कर लिया बरामद। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातें हो सकेंगी साफ। पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का 20 करोड़ रुपए की राशि किसी भी सूरत में नहीं जाने दी जाएगी सरका काट, कहा पूर्व सैनिक निगम के पूर्व चेयरमैन कर्नल बीसी लखवाल ने। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में 71वीं लड़कों की 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में हमीरपुर तथा सुजानपुर जोन के 23 स्कूलों के 381 बच्चे लेंगे भाग। आकाशवाणी हमीरपुर के वरिष्ठ नैमित्तिक उद्घोषक संजय शर्मा को उनकी सेवाओं, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा किया गया सम्मानित।